मनसुख भाई मांडविया को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि शिपिंग रिसाइकल बिल के लिए जो अमेंडमेंट लाए हैं। मुझे ये कहना है कि यहाँ पे पहले तो हमको शिपिंग क्या है वो समझना चाहिए। हमारे यहाँ पे जो पूरे भारत में जो शिपिंग है, वो शिपिंग दो तरह की शिपिंग होती है। उसके अंदर एक गुड्स जो हम लोग कार्गो की तरह माल वगैरह लेके जाते हैं आते हैं, और दूसरी पैसेंजर जो लोगों को लेके आके जाती है कहीं और कहीं दूसरे देश में। ये जो शिप वगैरह जो है, और बाहर बहुत सारे लोगों ने बताया कि यहाँ पे पर्यावरण का खतरा है। ये शिपिंग का बिजनेस आज की बात नहीं है। मैं मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ कि ये अमेंडमेंट लाने से क्या फर्क पड़ने वाला है। जो भूतकाल की जो सरकारें थी, जो काम कर रही थी, काफ़ी सारे हमारे वरिष्ठ अभी बात कर रहे थे लेबर यूनियन की, आज की तारीख ने मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं चाहता नहीं था, मैं मेरे विषय पे जाना चाहता था। वो सरकार की चिंता करते हैं, हमारी चिंता करते हैं, जो लोग वहाँ काम करते हैं उनकी चिंता करते हैं, उनको समझना चाहिए। 30 साल से नहीं, 22 साल से हमारी सरकार वहां पे है, और जो काम कर रही है इसके लिए आज पूरे देश के लोग वहां काम करने आते हैं। अगर हमारी सरकार जो ठीक नहीं करती होती तो कोई मजदूर काम करने नहीं आता। और रही बात ये अमेंडमेंट की बिल की बात, तो वो जो शिप है, वो शिप का जो ढांचा बना हुआ होता है वो लोहे का बना हुआ होता है, और जो लोहे के अंदर 65-60% जो लोहा रहता है उसके साथ लकड़ा भी रहता है, स्टील भी रहता है, और अन्य चीज़ें भी रहती है। और उनका पूरा वो पैसा, वो जो स्टील जो काटता है, वो शिप जो काटता है, वो मैनुअल नहीं कटता, वो हाइड्रोलिक से कटता है। और जो मजदूर काम करते हैं वो मजदूर नहीं काटते, वो मशीनरी से काटा जाता है। वो जहाँ से वहाँ से जो ले जाना है, वहाँ की जो सुखाकारी है, वहाँ के जो शिप में, सीप का आयु 25 से 30 साल का होता है, और जो सीप के अंदर आज आप देखिए, वो सीप पानी के अंदर रहती है 25-30 साल के अंदर, 25-30 साल के बाद उसको काटने के लिए भेज देते हैं कि उसको तोड़ो, इसका जो स्क्रैप निकले और उसका यूज़ कीजिए। आज पूरे गुजरात नहीं, उसके वहाँ अभी बता रहे थे रामनाथ जी ने बताया कि हमारे वहाँ से जनरेटर वगैरह हम लोग सीप में से लाए। आप सोचिए सर कि 25-30 साल पुरानी सीप में से जो जनरेटर निकाल के आज कोई जगह कोई होटल में लगाता है, कोई पुराने कोई उसके धंधे के अंदर लगाता है, या तो कोई काम में लगाता है। हमारे यहाँ पे जो जो सीप के अंदर से जो स्टील निकलता है, कई जगह कई लोग जो बेचारे जो पुअर लोग गरीब लोग होते हैं, वो शौचालय के जो पुराना स्टील का शौचालय रहता है, वॉश बेसिन रहता है वो स्टील का रहता है, जो लकड़े का फर्नीचर रहता है वो 25-30 साल पुराना होता है, फिर भी आप उसके घर के अंदर जो गरीब लोग होते हैं वो लगाते हैं। इसी तरह वहाँ की इंडस्ट्री चलती है, और जो जो लोगों को वो इंडस्ट्री से फायदा मुनाफा, और आज के ये जो एनएमएन बिल है हमारे देश के अंदर आज की तारीख के अंदर अलंक है, और पूरे अलंक हो, मुंबई हो, कर्नाटका हो, कलकत्ता हो कि अन्य कोई जगह, हमारा देश का जो ढांचा है आधा पूरा सीयूवी से है, गुजरात से पूरा, वेस्ट बंगाल, बंगाल से पूरा टच होता है, उस तरह पूरा सीयूवी से उसे टच होता है। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करें, क्योंकि जो जो शिप आती है वो शिप के अंदर अकेले यही नहीं है कि भाई इसके अंदर पर्यावरण को खतरा होने वाला है, इसके साथ हमारा व्यवसाय जुड़ने वाला। आर के सिन्हा जी ने बताया कि हमारे बिहार में एक आप फैक्ट्री लगा दीजिए, ये हमारे गुजरात के अंदर जो फैक्ट्रियाँ है ये स्टील की वजह से कैस किस तरह होती है, जो शिपिंग जब उसको काटते हैं और जो स्क्रैप के जो लोहा निकलता है वो लोहा उस फैक्ट्रियों में जाता है, उसको पिघलता है, पिघलने के बाद उसको रीयूज करते हैं, और उसके अलग 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 वो कोई कंस्ट्रक्शन के अंदर काम में आता है, कोई किसी और काम में अलग अलग जगह में आता है, उस तरह काम होता है। तो ये पूरा ऐसे नहीं है कि अलंग के लिए काम में आने वाला है, कहीं भी आप मुंबई भी लगा सकते हो, कर्नाटक भी, कलकत्ता भी लगा सकते हो, कहीं भी अलग अलग पोर्ट के, क्योंकि इसका ढांचा ऐसा हुआ है।
कि जिस तरह जहां का जहां सीप खड़ा रहता है, जिस तरह अश्विनी जी ने बताया कि जो सीप आता है उसके बाद जो पानी चला जाता है तो सीप वहां खड़ा हो जाता है, तो हमारे भारत में पूरा करीबन 3,350 किलोमीटर का जो रेडियस है उसके अंदर शिवयू का जो है कहीं और जगह पर भी हो सकता है। और ये जो बिल लाने से फायदा हमारा क्या है कि पूरे भारत के अंदर हमारा बिजनेस बढ़ेगा और बिजनेस के साथ साथ लोगों को नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हर एक लोगों को नौकरियां मिलेगी, इसके साथ साथ लोगों को सुखाकारी भी मिलेगी। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज पर्यावरण की बात करते हैं लोग, तो आज आप देखिए कि हमारी सरकार और माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब आज तो स्वच्छ भारत की और कचरा उठाने की बात कर रहे हैं। हमारी गाड़ी घर घर जाती है कचरा उठाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे अलंग के अंदर या कहीं और भारत के कहीं भी जगह ये बिजनेस शिपिंग क्रैश करने का लगेगा तो थोड़ा कचरा रहने के लिए करेंगे। और ये जो है ये सरकार नहीं तोड़ती, अगर कोई व्यक्ति तोड़ता है, अगर कोई ग्रुप तोड़ता है तो वो बात अलग है, ये व्यापारी तोड़ने लगे जाता है। तो व्यापारी एक एक चीज का उसके कहां से कहां ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले, एक चीज भी नहीं रहने देगा। और हमारे गुजरात के अंदर की ये जो बात कर रहे हैं, मुझे दुख होता है कि गुजरात की जो बात कर रहे हैं कि गुजरात इस तरह लेबर लोगों को, आज देखिए सर आज की तारीख में भी हर एक इंडिया का कोई भी आदमी है वो गुजरात के अंदर काम ढूंढने के लिए जाता है। अगर हम लोगों को लेबर हो या कोई भी आदमी हो उसको अगर हम प्रोटेक्शन नहीं देते तो वहां काम नहीं करता। तो मैं चाहूंगा इस सदन के माध्यम से वो हमारे साथी जी को और उनको कहना भी चाहूंगा आपके द्वारा कि ऐसी मत बात कीजिए कि गुजरात के आबरू नीचे चली जाए। हम गुजरात के हैं और गुजरात में जिस तरह हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं, हमारा जो काम करते हैं, मुझे गर्व है कि मैं गुजराती हूँ। मैं इसके साथ और कहना चाहूंगा, आज मेरे ये जो स्टील की बात हुई, आज मेरे सरनेम के पीछे लोखंडवाला लिखा है, मैं वैसे ठाकुर हूँ सर, लोखंडवाला मेरे पुस्तों का धंधा, स्टील का लोखंड का धंधा था, और ये सब इंडस्ट्रीज की वजह से हम लोग आज इसी जगह पे पहुंचे। ज्यादा ना कहते हुए इस बिल के लिए मैं मनसुख भाई मांडवी को बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद, आभार।